हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमन रियल ब्लॉग क्लीनिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अंदर कदम मस्त होंगे फ्रेंड्स। तो बस इसी आशा के साथ मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग के लिए हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं बहुत टेंशन में, दिमाग काम नहीं करता, क्या सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ कि ना बनाऊँ, मेरा मेंटली दिमाग सही नहीं रहता, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए देखूँ कि ब्लॉग को टाइम दूँ या बच्चों को टाइम दूँ, और एक मन सोचती हूँ कि आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके मुझे क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और बच्चों की देखभाल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ब्लॉग जारी रखना चाहिए बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर है बहुत ज़्यादा अंदर से, जान किस तरीके का लग रहा है मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों साथ डाल देती हूँ, क्योंकि उस पिछले साल हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग ग्वालियर में थे, इनका ऑपरेशन हुआ था तो हम सब लोग वहीं ग्वालियर में थे, और आज ही के दिन ही रात इनको मतलब 10 बजे के बाद फिर डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से। तो 2 तारीख को हम लोग आए थे अपने घर पर, तो 1 साल पूरा बीत गया ऐसी परेशानी और संघर्ष करते करते हुए, और फिर भी इनकी तबीयत सही ना हो पाई। हम लोगों ने तो यही सोचा था कि चलो ऑपरेशन हो गया अब सही हो जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब ऑपरेशन भी करवाया, सब पूरा ट्रीटमेंट करवाया जितना डॉक्टर ने बोला था, इसके बावजूद भी परेशानी बनी ही रही और बढ़ती चली गई। पूरा घर परेशान रहा 1 साल समझ लीजिए, और अभी अब तो इतनी बड़ी परेशानी है कि अब ज़िंदगी भर की समझ लीजिए परेशानी ही है बच्चों की, हमारी सबकी। तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगल बगल सब्जी वाले बेचने वाले हैं, तो उन्हीं की आवाज़ आ रही है, आप लोग इग्नोर करिए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आए, और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, ब्लॉग जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। आज तो सुबह से ही सब लोगों का फ़ोन आ रहा था, क्योंकि जैसे 12 बजे के बाद सभी लोगों का मैसेज आने लगा था, फ़ोन आने लगा था, और तो बार बार देखना, तो फिर मैंने साइलेंट करके रख लिया था फोन। मैंने सुबह 4 बजे साइलेंट आ रही थी फ़ोन की वजह से, सभी रिश्तेदारों का फ़ोन, फैमिली मेम्बर सभी लोगों का फ़ोन कॉल आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो सबसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था, सबसे बात करके बहुत रोना आ रहा था, लेकिन क्या करें मजबूरी थी तो वो तो सब झेलना ही पड़ेगा। और इतनी परेशानी में सब लोग कुछ कहा नहीं जा सकता, कैसा लगता है क्योंकि, और हमारे ससुराल से भी सबका फ़ोन कॉल आया था, तो सबसे फिर बात की, सब लोग बहुत मिस कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, भगवान को जो मंजूर होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा, वो काटना ही पड़ेगा, ज़िंदगी में जैसा होगा वो सब अपने ही ऊपर काटना पड़ेगा, जो परेशानी होगी तो, और हमें तो अब ज़िंदगी में संघर्ष करना ही है, जैसा भी होगा जो भी होगा, जैसे भी भगवान रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा और वैसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए तो आगे रहना ही पड़ेगा, उन्हीं के लिए जीना पड़ेगा और उन्हीं के लिए खाना पड़ेगा। कुछ भी आज तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, ना खाना पीना बनाने का, तो रात में भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सब बर्तन वगैरह खाना बनाने के बाद फिर मैंने सब बर्तन ऐसे ही रख दिए थे, मैंने कहा चलो सुबह धुल लूँगी बाद में, तो बस लेट गए थे। और जैसे ही सुबह उठे तो फिर बैठे रहे थोड़ी देर, फ्रेश फ्रेश हुए, तो इसके बाद फिर पापा बोले हमारी चाय बना लो, तो फिर चाय बनाई हमने, पीने का मन नहीं कर रहा था लेकिन क्या करें, वो तो मजबूरी है, थोड़ी बहुत तो कुछ खाना पीना पड़ेगा ही, नहीं ऐसे ज़िंदगी कैसे चल पाएगी, क्योंकि अंत में हम भी अगर कुछ बीमार हो जाएंगे कुछ हो जाएंगे तो फिर बच्चों की देखभाल के लिए कौन है, क्या करेंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे अकेले। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय बनाई और फिर पी सब लोगों ने चाय, इसके बाद पीने के बाद फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा क्या करें, लेकिन मैं यही चाहती हूँ, सब लोगों को फ़ोन आ रहा था बार बार, ये भी बच्चों से बातें करती जा रही थी, करते जैसे परिवार में फैमिली में सबका फ़ोन आ रहा था, कहीं बुआ का, उनके ताऊ जी का, दादी का, सास वगैरह का, हमारी सभी का फ़ोन आ रहा था, तो बच्चे बात कर रहे थे और स्पीकर ऑन किए थे, तो बस वही मैं सुनती जा रही थी और मैं भी बातें करती जा रही थी उन लोगों से, क्योंकि वो
कह रही थी कि नहीं है, यही सब समझा रहे थे कि परेशान ना हो, अब तो तुम्हें खाना पीना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, जैसा भी होगा वैसे तो काटना ही पड़ेगा इन सब। तो मैंने कहा ठीक है, अब जैसा होगा जो भी होगा। और इसके बाद फिर मैं, रात के बर्तन पड़े हुए थे खाना के, तो मैंने कहा चलो धुल लेती हूँ इनको भी, बर्तन धुल लूँगी फिर इसके बाद खाना वाना बनाऊँगी, नहा धो के फिर खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। 1 साल से ऐसे ही संघर्ष से जूझ रहे थे परेशानियों से, लेकिन बीच में सब सही हो गया था, फिर अचानक ऐसे तितर बितर हो गया कि जैसा ज़िंदगी में सोचा नहीं था कभी कि ऐसा हमारे साथ होगा और हमारे बच्चों के साथ ऐसा होगा। वही मैं चाहती थी कि अभी थोड़े दिन और सही हो जाते, चल जाते, कुछ चलते फिरते ही रहते, भलाई ना कुछ करते, लेकिन कम से कम बैठे रहते तो यही बहुत हो जाता। लेकिन अब भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तो नहीं सही हो पाए हम, ये चाहते जितने दिन ही हो जाते उतने, थोड़ी कम से कम चलते फिरते ही रहते, बैठे रहते, कुछ करते या ना करते, तो बस नहीं सही हो पाए। और क्या करें, हम लोगों ने जितना जो कुछ जहाँ बताया, सब कुछ दिखाया सुनाया, सब कुछ कराया, इलाज कराया, सेवा की, हर चीज़ किया कि किसी तरह से चलो चलते फिरते ही रहेगा। कहने लगी मुझे गांव ले गए, तो अंत समय में वो अपने गांव चले गए और बस वहीं पे फिर हम लोग 1 महीने गांव में रहे। गांव तो आप जानते ही, देहात में कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बचपन से, बच्चे जब से पैदा हुए तब से कभी देहात में नहीं रहे हैं। सर्विस करते थे मेरे हस्बैंड, तो बाहर ही रहते रहे वहीं पे, तो अब इस बार फिर गांव में रहना पड़ा। गांव से अभी मायके आ गई हूँ, अब देखो फिर जाना है ससुराल में। सब लोग आज बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, तो मैंने कहा 2-4 दिन और रुकी हूँ, फिर इसके बाद आ जाऊँगी, तो फिर वहीं रहूँगी सास के पास, क्योंकि सास अकेली हैं, ससुर एक्सपायर हो गए हैं नहीं, और जेठ जेठानी रहते हैं, देवर देवरानी भी वो बाहर रहते हैं, जेठ जेठानी हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ में हमारे बच्चे भी बने रहेंगे और उनका मन लगा रहेगा। अभी स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों के जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे या पढ़ाई होगी तो फिर मैं आ जाऊंगी बच्चों को लेकर के, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो आप मेरी मदद करिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं मेंटली, दिमाग मेरा काम नहीं करता है, परेशान रहती हूं बहुत ही ज़्यादा। तो बस यही, आप हर चीज़ के बारे में बताते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस बारे में भी बताइए कमेंट करके कि मुझे ब्लॉग जारी रखना चाहिए कि नहीं जारी रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों से मेरी फैमिली की तरह ही है, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे और मैं ब्लॉग करती हूँ एंड। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे